आपके लिए इतिहासकारों की भी मदद ली गई थी? जी, दो तीन रिसर्चर्स हैं हमारे पास जो अलग अलग, जैसे हम इतिहास जब हम रिसर्च करते हैं तो उस टाइम एंड पीरियड के बारे में, जैसे मैसिडोनियन वर्ल्ड पे काफ़ी लिटरेचर अवेलेबल है, तो अकॉर्डिंगली दो तीन रिसर्चर्स हैं, वो हमें डेटा देते हैं, उसके बेसिस पे ही हम जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं उन सब का एक आधार है, तो वो उसका हम आधार यूज़ करते हैं कि जो भी हमें मालूम पड़ता है कि जिस तरह की दुनिया थी उसके हिसाब से ही हम डिज़ाइनिंग करते हैं ऑन ऑल फ्रंट्स, ऑन राइटिंग एवरी फ्रंट। और 2400 साल पुराना जमाना जो खड़ा करना, रिक्रिएट करना, कितना चैलेंजिंग रहा था आपके लिए? सी करेक्ट, बहुत बड़ा चैलेंज है ये, बिकॉज जब हम 350 BC की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ खड़ा हुआ है जो हम देख सकते हैं, हमने सिर्फ सुना है गोल्डन सोने की चिड़िया भारत, गोल्डन एज ऑफ इंडिया, सबसे समृद्ध राष्ट्र थे हम, तब हम रिसर्च के थ्रू ये पता करते हैं, जैसे आज के टाइम पे, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे अगर कहूँ, जैसे अजंता एलोरा केव्स हैं, जिस तरह का आर्किटेक्चर है उसका, जिस तरह की डिज़ाइनिंग्स आप देख रहे हैं इस शो पे, तो हम उस पीरियड पे रिसर्च करते हैं, तो उस पूरे पीरियड पे जो भी आज के डेट में अवेलेबल हैं, रेमिनेंट्स अवेलेबल हैं, जितनी चीज़ें लिखी गई हैं या इंडियन किताबों में या बाहर की, उन सब के आधार पे ऑन ऑल फ्रंट्स हम काम करते हैं। पर मुश्किल तो ऑफकोर्स इट इज़ अ चैलेंजिंग टास्क। आई थिंक करीब नहीं करके भी 2000 लोग काम कर रहे हैं पोरस पे, ऑन ऑल डिपार्टमेंट्स पुट टुगेदर अराउंड 2000 लोग काम कर रहे हैं। जितनी जो आपको यहाँ पे जितने लोग दिख रहे हैं कॉस्ट्यूम फ्रंट पे, सेट डिज़ाइन फ्रंट पे, बहुत बड़ी टीम है, VFX फ्रंट पे, विजुअलाइजेशन ऑफ जो वर्ल्ड्स हम दिखा रहे हैं, तो करीब करीब जिस तरह के सेट्स हमने बनाए हैं तो काफ़ी सारे लोग हैं, तो बिना इस तरह की टीम के इस तरह का सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। हम चाहें तो कम लोगों में काम कर सकते हैं, पर कम लोगों का काम कम दिखता है। कहाँ पे क्या है ये सेट? जी, उमरगांव में, यहाँ से 3 घंटे हैं, गुजरात। लक्ष्य, टाइटल रोल प्ले करना कितना चैलेंज रहा? मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था ये, जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ, मुझे याद है ये दिन, बहुत ही स्पेशल था मेरे लिए वो दिन। जैसे सर ने अभी कहा कि उनका जन्म हुआ था जिस दिन उनका पहला शो लॉन्च हुआ था, वैसे ही मेरे लिए वो एक बहुत ही बड़ा दिन था जब मेरा ऑडिशन लिया गया था। पहले तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ये तेरी बस की बात नहीं भाई, आ जा बाहर, बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ी बात है, तू रहन दे, आ जा। सो बट जब सुना इसके बारे में, जब सर से बात हुई एक बारी मेरी, हमारी मीटिंग हुई, तो बस ऐसा हुआ कि चैलेंज की तरह मैंने ले लिया। देन इट वॉज लाइक दैट, यू नो, इट्स यू अगेंस्ट दिस, अब तो तू जीतेगा या ये जीतेगा। सो आई टुक इट एज अ चैलेंज और आई टुक इट। जिस तरह अलग अलग सीरियल्स में महाभारत और रामायण के अंदर पूरे मुकुट वगैरह लगाए जाते हैं, इस तरह आपने जो पोरस में जो कॉस्ट्यूम का सिलेक्शन किया है और जो इनका जो ज्वेलरी वगैरह है, तो उसको किस आधार पे किया है? देखिए, हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर मिस केत की दलाल हैं, शी इज़ डन अ वंडरफुल जॉब, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हर। केत की ने काफ़ी रिसर्च किया, शी टुक मी थ्रू किस तरह के कॉस्ट्यूम उस समय अवेलेबल थे, ज्वेलरी किस तरह की थी, फिर हर एक कैरेक्टर के हिसाब से जिस इंसान की हमने कास्टिंग की उसके हिसाब से उसने हर एक कैरेक्टर का इंडिविजुअल डिज़ाइनिंग किया है। ये तो सिर्फ राजा और रानी और फ्रंट रनर्स हैं, हमने तो हर लेवल पे केतकी ने डिज़ाइन किया है, ऑन सेनापति किस तरह थे, पंडित किस तरह के थे, नॉर्मल कॉमनर्स किस तरह के थे, दास कैसे थे, दास की दासियाँ कैसी थी, हमने हर वर्ल्ड पे, आई थिंक द कंप्लीट रेट ऑन द कॉस्ट्यूम एंड ज्वेलरी गोज़ टू केतकी दलाल, शी कैन आंसर द डिटेल्स ऑफ हाउ शी वेंट अबाउट डूइंग द रिसर्च ऑन इट। अच्छा, यू आर दी ऑड पर्सन आउट हु डजंट हैव लैविश कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, तो कैन यू शेयर समथिंग अबाउट व्हाई इज़ द कैरेक्टर का ऐसा रिक्वायरमेंट है? कैरेक्टर के रिक्वायरमेंट से पहले मैं ये बोलूँगी कि भारत उस वक्त बहुत समृद्ध था, तभी उनको सोने की चिड़िया कहते थे, और हम तो बेचारे ग्रीस के लोग लुटेरे हमारे पास इतनी ज्वेलरी थी नहीं, तो इसलिए ने थोड़ा गरीब लुक दिए। एनीवेज, ग्रीक, आपने देखा होगा कि वहाँ की कॉस्ट्यूम्स कैसी होती हैं, दे आर जनरली दे वेयर वाइट क्लोथ्स, एंड भारत में जैसे बहुत सोने की चिड़िया था और वैसे ही बहुत लेविश था, भारत एक रिच, बहुत समृद्ध देश था, और ग्रीस के, तभी मैसेडोनिया के लोगों की भारत के अलावा हर किसी के दुनिया में लोगों की नज़र भारत पे ही रहती थी, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज थे, हर चीज़ थी,
भारत के लोग बाहर नहीं देखते थे लेकिन पर्शियंस इजिप्शियंस मैसेडोनियंस सब लोगों की नज़र भारत पे रहती। ये आपने अपनी दाहिनी आँख बंद करी हुई है, ये किस तरीके से मैनेज करते हैं? क्योंकि खुली आँखों को बंद करे काफ़ी देर तक रखना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ काफ़ी चैलेंजिंग है। और जब मैं ऑडिशन के लिए भी गया था तो मुझे पहले ही बता दिया गया था कि लेसन ये कैरेक्टर है ये लुक है, 12 घंटे कम से कम एक आँख तो बंद रहेगी, कर पाओगे? सो मैंने सोचा अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और ज़रूर करेगा, एंड दिस इज़ अ चैलेंजिंग रोल जो आज तक किसी और ने ट्राई भी नहीं किया है। एंड टॉप ऑफ दैट इतना बड़ा शो बनने जा रहा था पोरस, जिसपे सिद्धार्थ सर डायरेक्ट करने वाले थे, तो इट वॉज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू वर्क। तो हाँ थोड़ा सा चैलेंजिंग था फर्स्ट टू डेज, बट जब सेट पे आया और जब काम पसंद आने लगा और जब यूज्ड टू हो गया देन पेन चला गया, तो फिर अभी याद नहीं है मुझे कि कब पेन हुआ था लास्ट टाइम। तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस की आपने? काफ़ी ऑडिशन से पहले काफ़ी प्रैक्टिस की थी और प्रोडक्शन वालों ने भी काफ़ी प्रैक्टिस कराई। 6 घंटे भी कभी कभी आँख बंद करा के बैठा देते कि यार तुम्हारा शॉट होने वाला है बैठो। नहीं हाँ वो प्रोडक्शन वाले काफ़ी कॉन्शियस थे कि थोड़ी देर बाद किससे जाके भिड़ता था मालूम नहीं इसीलिए थोड़ी देर बाद पकड़ के बैठा देते थे तुम यहाँ बैठ जाओ, तो प्रोडक्शन ने ऐसे उसे बहुत हेल्प किया। कहा जाता है आंख बंद करके विश्वास कर लो। चांटे पड़े लड़कियों से इसकी प्रैक्टिस के चक्कर में। इसने काफी मारे वैसे सेट पे। यस सो दिस इज वी बिलोंग टू द दस्यु वर्ल्ड। सो दस्यु इज बेसिकली समुद्री लुटेरे हैं जो ट्रैवलर्स को शिप को हम लूटते हैं और हम ऑलमोस्ट पानी में रहते हैं, मतलब पानी के बगल में छोटे छोटे हट्स होते हैं हम वहाँ रहते हैं। तो इसलिए हमारा ट्राइबल कॉस्ट्यूम है, इसलिए हम इन लोगों की तरह इतने इलैबोरेटली ड्रेस नहीं है, हम क्रूर हैं, थोड़े गरीब हैं लेकिन क्रूर हैं। सो लूट के पैसा कमाते हैं हम। प्लीज एक्चुअली मुझे जानना था कि अलेक्जेंडर को डिफीट करना बहुत मुश्किल था, तो आपके लिए उनको पोर्ट्रे करना कितना चैलेंजिंग रहा? जितना मुश्किल अलेक्जेंडर को डिफीट करना था मेरे लिए भी ये कैरेक्टर उतना ही मुश्किल था, क्योंकि सबसे पहली बात ये कि मैं पहले बहुत ही कन्फ्यूज था कि मैं ये कैरेक्टर करूँ या नहीं करूँ, बिकॉज जब मुझे पहले बुलाया गया ऑफिस इस कैरेक्टर के लिए तो मेरे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स थे कि ये जस्टिफाई हो पाएगा या नहीं, बिकॉज पहले जिसने भी कोशिश की अलेक्जेंडर को प्रेजेंट करने की वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए हैं मेरी आंखों के सामने जो मैंने देखा है। बट जब मैं सिद्धार्थ सर से मिला और राहुल सर से मिला तो जब उनका विजन मुझे पता चला कि वो किस तरह से शो को बनाने वाले हैं और किस स्केल पे बनाने वाले हैं, तो सिर्फ मुझे लगता था कि सिद्धार्थ सर ही हैं जो इस कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सकते हैं इस पूरे ट्रैक को, क्योंकि सिर्फ अलेक्जेंडर को ही जस्टिफाई नहीं करना था, इनफैक्ट पूरे जो मैसेडोनियंस थे जो पूरा का पूरा वो कंट्री से जो लोग आए थे उन सबको जस्टिफाई करना था। तो सर से मिलने के बाद सारे डाउट्स मेरे क्लियर हो गए थे और उसके बाद हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और इतने बड़े कैरेक्टर को प्ले करने के लिए उतनी ही मेहनत करने की ऑब्वियसली ज़रूरत थी, तो वो हमने की एंड अब आप लोगों के सामने हैं, तो अब देखते हैं कि कितना हम सक्सेसफुल होते हैं। क्वीन बन के कैसा लग रहा है? रियल लाइफ में होता तो बहुत अच्छा लगता। बहुत अच्छा लग रहा है, ये फीलिंग ही कुछ और है क्वीन बनने की, बट ये आम तौर वाली क्वीन बिल्कुल नहीं है। जैसे आपसे मैंने कहा भी था, ये बहुत ही ब्रेव वॉरियर क्वीन है जो कि फुल ऑफ सैक्रिफाइसेस है। जो भी सिद्धार्थ सर ने लिखा और मैंने कोशिश की है कि मैं ऑडियंसिस को और सिद्धार्थ सर को भी कन्विंस करूँ, ये अलग ही टाइप की क्वीन है जो आपको देखने को मिलेगा शो में। बट इट्स रियली नाइस टू फील क्वीन। I'm the queen. So my question is to all the guys and the girls on this thing, on this show. How, I mean, I know that all of you all work out since it's a 12-hour shoot and you all work out on the set. So how aggressive is the workout for you all once you all are already started working on the show? I think once you start enjoying your work, it doesn't, I think you all will agree that it lagta nahi hai ki 12 ghante ho gaye. काम ऐसा है दैट यू डोंट फील अग्रेसिव। वर्कआउट रेजिम। पार्डन? योर वर्कआउट रेजिम ऑन वर्कआउट। ओके सॉरी आई गॉट यू रॉन्ग। वर्कआउट रेजिम वी ऑल पुडी वेदर टू से दिस गाय वर्क्स ऑन द सेट। वी ट्राई आवर बेस्ट व्हेनेवर वी गेट टाइम। इफ इट्स एन अर्ली पैकअप अमंग्स द गाइस आई एम द ओनली वुमन अराउंड, सो वी ट्राई आवर बेस्ट दैट व्हेनेवर वी गेट टाइम वी गो फॉर आवर जिम ऑल्सो एट टाइम्स, नॉट रेगुलरली।
You know, ma'am, I just want to say that looking at the scale of the show and the magnanimity, so much have been put into this show, and looking at the creators, Rahul, Siddharth, all our creative team, and the support from the channel, wo itna huge hai na ke, it's, I think for all of us, the actors also, it's inspiring ke dikh raha hai itna bada kaam ho raha hai, to hum kitna at least apne aap pe kaam kar sakte hai. So I think it's a huge learning for the actors, and it's totally an enriching experience, I think, for all of us to work with such people. Absolutely.